उत्तरी इटली के वेनिस और लीडो के बीच एक आइलैंड है जिसका नाम है पोवेगलिया द्वीप। इस दुनिया का सबसे डरावना आइलैंड माना जाता है। इसे आइलैंड ऑफ घोस्ट यानी भूतों का आइलैंड भी कहते हैं। रहस्यों से भरी इस दुनिया में ऐसे कई राज दफन हैं जिनके विषय में अब तक कुछ खास पता नहीं लग पाया है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई जगहें हैं जहां पर भूत प्रेतों के होने का दावा किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इटली के पोवेगलिया आइलैंड के बारे में। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जो कोई भी गया वह वापस नहीं आ सका। इसी वजह से इसको मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस रहस्यमयी आइलैंड पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इस आइलैंड का इतिहास इतना डरावना है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से पोवेगलिया आइलैंड का नाम दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शुमार होता है। ये आइलैंड अक्सर अपनी रहस्यमयी घटनाओं को लेकर चर्चा में बना रहता है। इसी कड़ी में आज हम पोवेगलिया आइलैंड के बारे में जानेंगे। ये आइलैंड इटली के वेनिस शहर और लिडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने की कोशिश में कई लोग वहां पर गए पर आज तक वो कभी वापस नहीं आ सके हैं। यहाँ पर आने जाने को लेकर इटली सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। पोवेगलिया आइलैंड की हकीकत जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि सालों पहले जब इटली में प्लेग महामारी भयंकर रूप से फैली थी, उस दौरान बीमारी को लेकर सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। बीमारी ज्यादा ना फैले इस वजह से सरकार ने करीब 1,60,000 मरीजों को यहाँ लाकर जिंदा जला दिया। उसके कुछ समय बाद काला बुखार नामक एक और बीमारी काफी तेजी से फैली। उस बीमारी से जो कोई मरा उनकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन किया गया। मान्यता है कि तब से ही ये आइलैंड शापित है। कहा जाता है उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को देखने का भी दावा किया है। यही नहीं, इस टापू से अक्सर अजीबोगरीब आवाजों के आने का दावा किया जाता है। यहाँ पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से सरकार ने यहाँ पर जाने वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी वजह से पोवेगलिया आइलैंड को दुनिया की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।